फ्रेंड्स वेलकम बैक। और आज है बोट एयर ड्रॉप्स 101 और आज होगा इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग। और इसके माइक पे आज दो टेस्ट होगा, एक होगा कॉलिंग पे और दूसरा होगा वॉइस चैट पे, कि जब आप किसी को वॉइस चैट भेजोगे तो सामने वाले को कैसा आवाज आपका सुनाई देगा और कॉलिंग पे सामने वाले को कैसा आवाज आपको सुनाई देगा और नॉइस कैंसलेशन कैसा इसका काम कर रहा है। वैसे इसमें आपको कोई भी नॉइस कैंसलेशन का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है और इसमें सबसे बड़ा प्राउडनेस का बात है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है। हाँ फ्रेंड्स, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसका सर्किट, इसका डिजाइन सब कुछ इंडिया में तैयार हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा प्राउडनेस फील हो रहा है इसका अनबॉक्सिंग करने में। और एक और डिसएडवांटेज मुझे इसमें देखने को मिला कि इसमें आपको IPX4 का वाटर रेटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे वाटर टेस्ट करेंगे कि स्विमिंग पूल में नहीं लेकिन फिर भी जिम में वर्कआउट में आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं। और लो लेटेंसी भी टेस्ट करेंगे। वैसे इसमें आपको लो लेटेंसी का भी फीचर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको 5.0 का लेटेस्ट ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, 13mm का लार्ज डाइवर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के रिव्यू में आपको पता चलेगा कि 13mm का डाइवर से कुछ फायदा हो रहा है कि बस नाम के लिए इन लोगों ने 13mm का डाइवर प्रोवाइड कर रखा है। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के रिव्यू के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो इसका अमेज़न लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। बॉक्स के ऊपर आपको एयर ड्रॉप 101 प्रिंट किया हुआ देखने को मिल जाएगा, द साउंड ऑफ सिलिक इन लोग का टैगलाइन है। और थोड़े नीचे आओगे आपको मेड इन इंडिया छपा हुआ दिख जाएगा, जो कि सही में बहुत ज्यादा प्राउडनेस का बात है और देख के बहुत ज्यादा प्राउडनेस से फील होता है। और बॉक्स के दोनों साइड आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसके नीचे साइड देखोगे तो यहाँ पे इनके ऑफिसर रिलेटेड और कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने छाप रखा है, जैसे कस्टमर केयर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। और इसका प्रिंटेड प्राइस आप देख सकते हो 2,990 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा 1,500 रुपीज का। और इसके पीछे साइड आपको इसके काफी सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा, जैसे इसमें IWP का टेक्नोलॉजी यूज कर रखा है जिसके हेल्प से बहुत जल्दी क्विकली आपके फोन के साथ ये पेयर अप हो जाएगा। 12 आवर्स का बैटरी प्लेबैक ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। गूगल असिस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 13mm का डाइवर है, 5.0 लेटेस्ट ब्लूटूथ है इसमें, टच कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल रहा है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है। और इसके पैकेजिंग के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है ये भी इन्होंने छाप रखा है। और इसके थोड़े नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 5V 2A के चार्जर से आपको इसे चार्ज करना है, उससे इसका लाइफ काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पैकेजिंग तो काफी सही है। फिलहाल के लिए केस को साइड रखते हैं और देखते हैं इसके पैकेजिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो दो जोड़ी एयर टिप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है डिफरेंट साइज के, जो कि आप अपने कान के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और एक टाइप सी चार्जिंग केबल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बोट आपको शुक्रिया अदा कर रहा है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये एक और बार याद दिला रहा है। और 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। और एक बोट का बुकलेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जिसमें इसके कुछ प्रोडक्ट का फोटोज और कुछ ब्रांड एम्बेसडर का फोटोज है। यूजुअल मैनुअल आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है जिसमें इसे यूज करने के और इसके स्पेसिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है। और FAQ कार्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जिसमें इन्होंने गाइड कर रखा है कि आपको ईयरबड्स को कैसे क्लीन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि माइक के वहां पे धूल जम जाता है जिस वजह से माइक ठीक से काम नहीं करता, और चार्जिंग के नीचे का जो पिन होता है वहां पर भी धूल मट्टी जम जाता है, तो उसे कैसे क्लीन करना है इन्होंने गाइड कर रखा है। सो फ्रेंड्स, अभी इन सब चीजों को साइड रखते हैं और निकालते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को। सो आप देख सकते हो पोर्ट का केस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जिसका बिल्ड क्वालिटी सही है, काफी अच्छा लगा मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी, लेकिन इसका जो लुक है उतना कुछ प्रीमियम सा लुक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और इसके पीछे आपको इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे 320mAh का बैटरी आपको इसके केस में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको एक ग्रीन LED नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जब केस का बैटरी लो होगा तभी ये ग्रीन लाइट चलेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा, और जब आप इसे चार्जिंग में डालोगे तो फिर रेड लाइट इंडिकेट करेगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैप देखने को मिल रहा है, और जैसे आप कैप को खोलोगे इसकी जो बर्ड्स है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और कैप बंद करते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको बर्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस कैप खोलते ही ये ऑन हो जाता है। और इसके नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी आप बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बर्ड्स का लुक बहुत ज्यादा मस्त है। और इसके ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और इसका बर्ड्स का जो लुक है ये एक प्रीमियम सा लुक रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लास्टिक के साथ फिनिशिंग आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहा है मैट कलर का। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बर्ड्स का फंक्शन बताना चाहूंगा। इन दोनों ही बर्ड्स में से किसी भी बर्ड्स को आप एक बार टच करोगे तो पॉज या प्ले हो जाएगा सॉन्ग, और कॉल भी आप इसी से पिक कर सकते हो। अगर आप 2 सेकंड तक टच करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर कॉल ना आ रहा होगा तब आप 3 सेकंड तक
टच करो तो वॉइस असिस्ट ऑन हो जाएगा और राइट साइड के डबल टैप से आप नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाओगे और लेफ्ट साइड के डबल टैप से आप प्रीवियस सॉन्ग पे चले जाओगे। वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते आप इससे। अगर आप दोनों ही वर्ड्स को एक साथ 5 टाइम टैप करोगे तो आपका वर्ड्स रिसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका केस का वेट है ओनली 40 ग्राम वर्ड्स के साथ और इसके वर्ड्स का वेट है ओनली 5 ग्राम जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि माइक यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है बर्ड्स के साथ और अभी हम लोग इस पे करेंगे लो लेटेंसी टेस्ट। आप देख सकते हो मेरे फोन के साथ भी 101 कनेक्टेड है। सो चलिए अभी करते हैं लो लेटेंसी टेस्ट। इसमें आपको अप्रोक्स 150 मिलीसेकंड्स का साउंड डिले देखने को मिल रहा है। सो आप इसमें छोटा मोटा गेमिंग तो कर सकते हो लेकिन कुछ हैवी ऑनलाइन गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सॉन्ग यहाँ पे बंद हो चुका है लेकिन अभी भी ये डिवाइस मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है। अभी सॉन्ग प्ले करके और इस बर्ड्स को निकाल के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आप इसे पहन के स्विमिंग पूल में तो डुबकी नहीं मार सकते क्योंकि IPX5 का भरोसा आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने टेस्ट करके दिखाया कि वाटरप्रूफ फिर भी है। सो आप इसे पहन के जिम या वर्कआउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप इसका लुक देख सकते हो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट सा छोटा सा साइज है इसका। लुक्स में बहुत ज्यादा मस्त है और इसके एयरबड्स भी काफी अच्छे एक प्रीमियम सा लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो जब आप इसे कानों में पहनोगे बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और अगर इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो कमाल का साउंड ये आपको प्रोवाइड करेगा, एकदम बूम पंची बेस ये आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही में कमाल का छनकार भी है, छनकार बहुत मस्त है और वोकल्स भी बहुत ज्यादा क्लियर है इसके। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा लाउड है। 13 mm का डाइवर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जिस वजह से बहुत ज्यादा लाउड साउंड आपको इसमें सुनने को मिलेगा। अगर आप दूसरे किसी भी निक बैंड या फिर ईयरफोन के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो इसका जो साउंड है सही में बहुत ज़्यादा लाउड है। इतना लाउड कि अगर आप किसी जेट प्लेन के साइड में भी खड़े रहोगे ना तब भी आपको सुनाई देगा कि आप क्या सुन रहे हो इस ईयरबड में। इतना मस्त है इसका साउंड का लाउडनेस। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 4 आवर्स का बैटरी बैकअप ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है सिंगल चार्ज 80% वॉल्यूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज ड्राइवर है इसका इसीलिए इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, लेकिन 100% में भी आप इसको सुन सकते हो लेकिन आप सुन नहीं पाओगे इतना लाउड है इसका वॉइस। और इसके केस के हेल्प से आप इसे अप्रॉक्स 2.5 टाइम फुल्ली चार्ज कर सकते हो। और अगर इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 10 मीटर्स का कनेक्टिविटी ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अगर बीच में दीवार भी आ जाए 10 मीटर्स में तब भी इसका कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होता, ये काफी ज्यादा सही लगा मुझे इसमें। सो फ्रेंड्स, आप इसे बिंदास खरीद सकते हो, इंडियन प्रोडक्ट है ये और इसमें आपको क्विक पेयरिंग का फीचर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरे बर्ड्स में क्या होता है जैसे ही आप इसको खोल के बर्ड्स को निकालते हो वैसे ही आपके फोन के साथ पेयरअप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ढक्कन को खोलोगे वैसे ही आपके फोन के साथ ये पेयरअप हो जाएगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्विकली आपके फोन के साथ पेयरअप हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप निकाल के इसमें केस में रखोगे और इसके
ढक्कन को बंद करोगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बार इसको कनेक्ट करना है अपने फोन के साथ, आपके फोन के साथ। सो फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा सही लगा मुझे इसमें। आप अपने फोन के ब्लूटूथ को ऑन करके रखो, ऑटोमेटिक ये पेयर अप हो जाएगा और ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और रिकॉर्डिंग इसी से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इसका जो बर्ड्स है ये नॉइस को ना काफ़ी ज़्यादा खींचता है। मतलब अगर आप ट्रैफिक में खड़े रहोगे या फिर आप बाहर इसका इस्तेमाल करोगे तो आसपास के नॉइस को काफ़ी ज़्यादा खींचेगा। इसका माइक नहीं, इसके बर्ड्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा नॉइस घुस जाता है। सो फ्रेंड्स, घर में यूज़ करने के लिए ठीक है, लेकिन बाहर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन फिर भी आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसका आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगा, तो आप म्यूज़िक के भी मजे ले सकते हो और उससे भी आप बात कर सकते हो कि वो क्या बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस मामले में देखा जाए तो सही है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बाहर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बस का आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों में, आसपास का ट्रैफिक का आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों में जाता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अपनी अम्मा का फ़ोन लगा रखा है और ये जो बर्ड्स है 101 ये मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जब मैं आपको ये फुटेज सुनाऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि ये नॉइस खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, अगर खींच रहा है तो कितना खींच रहा है। वैसे मेरे आगे अभी एक टेबल फैन और है और मैंने इसे चला रखा है ताकि आपको पता चल सके कि कैसा नॉइस आ रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, थैंक यू।